हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। आज ना ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 7 बजे से, और आज ना हम हरेला कोड़ेंगे। आज हरेल को डाले हुए 9 दिन हो गए हैं, कल हरेला कटेगा, पंडित जी आएंगे, सब विधि विधान होगा यहाँ पे, और आप लोग इतना शेयर करूँगी और आप लोग वीडियो में बने रहे हैं। अभी हम हरेला गोड़ रहे हैं यहाँ पे, आयुष के पापा गोड़ रहे हैं। तो गाइस, हमारा हरेला ना कुछ इतना बड़ा हुआ है ना। हरेला हमारे कुमाऊँ में हर साल आषाढ़ के महीने में डाला जाता है, और श्रावण के फर्स्ट दिन को, मतलब एक पैठ को, हरेला का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन काटते हैं। और आज आषाढ़ का लास्ट दिन है, तो आज यहाँ पे हरेले की गुड़ाई करेंगे सभी कुमाऊँ के लोग, और कल सुबह पंडित जी आएंगे और हरेला काटेंगे, और मंदिरों में हरेला चढ़ेगा, और फिर उससे अपने बच्चों के सिर पूजेंगे सभी, और अच्छा सा आशीर्वाद देते हैं सभी। और जिन जो लड़कियाँ हैं मायके ससुराल में, मतलब अपनी लड़कियों को त्यौहार देने के लिए भी जाते हैं, वो लोग त्यौहार देने जाएंगे। तो हम लोग ना यहाँ पे अब हरेला गोड़ेंगे। ये देखो, आयुष के पापा यहाँ पे गोड़ रहे हैं। इसके बाद हरेली के दो हिस्से करेंगे यहाँ पे, फिर रक्षा तागी से उसको पा देंगे। और ना मैं यहाँ पे फल भी लाए हूँ, दो जुड़वा फल लाते हैं, सिंगल नहीं लाते हैं। पहले सबसे पहले टीका लगा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, हरेले को भी टीका लगाते हैं, उसके बाद उसकी गुड़ाई करते हैं। और जो फल होते हैं ना, जुड़वा फल लाते हैं, उनके बीच में रखा जाता है फिर दोनों फलों को। ये बात दिया यहाँ पे रक्षा तागी से, हरेले को दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बात दिया है गोड़ के, आप लोगों ने देखा, और आगे जो भी एक्टिविटी रहेगी अब मैं कल सुबह से स्टार्टिंग करूंगी। अभी बनाते हैं रोटी सब्जी, मिलते हैं आपको कल सुबह मॉर्निंग पे। तो हेलो दोस्तों, मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ फिर से नेक्स्ट दिन के मॉर्निंग से। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज चुके हैं, और यहाँ पे पंडित जी भी हमारे आ चुके हैं, और मैंने भी ना मंदिर की पूरी तैयारियाँ कर ली है, नहा धो के झाड़ू पोछा करके, मंदिर की सफाई करके, मंदिर में जो भी सामग्री होती है ना, मैंने सब कुछ यहाँ पे रख दिया है। पंडित जी आएंगे, पंडित जी आके यहाँ पे हरेला काटेंगे, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, बने रहिए फिर से ब्लॉग पे। तो दोस्तों ना, मंदिर हमारा थोड़ा छोटा ही है, यहाँ पे ना मैंने पूजा की सब सामग्री रख दी है, और यहाँ पे दराती भी रख दी है। अभी पंडित जी आएंगे ना, सबसे पहले वही टीका लगाएंगे, हम टीका नहीं लगाते, वही टीका लगाएंगे और हरेला काटेंगे, फिर सबके सिर पूजेंगे पंडित जी ही, और आशीर्वाद दे के जाएंगे। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो आवाहि देवताभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः।
नातिया को भी चढ़ा दो। जय 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 यावति गंगे कृते ते यावत् राम अथा लोके तावत् जीव ज्वालति सतायुर्भवायुष्मान। तो दोस्तों यहाँ पे ना पंडित जी रखे गए हैं अलग अलग पत्तों पे हरेला, मंदिर के लिए भेजेंगे इनको। और यहाँ पे ना एक एक करके सभी घर के मेंबर्स हरेला काटते हैं। फिर तो पंडित जी चले गए हैं दूसरे गांव की ओर, वहाँ हरेला काटने के लिए सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे। आज ना वो घर घर जाके हरेला काटते हैं। और अभी मैं इस टाइम यहाँ पे बना रही हूँ त्योहार, त्योहार मतलब पूरियाँ और सेवई और मांस के बड़े, मांस मेरे को सिलबट्टे में पीसने हैं। यहाँ पे आप लोग वीडियो में बने रहे हैं और अभी मैं बनाऊंगी मांस के बड़े अच्छे अच्छे चटपटे वाले। मैं ना यहाँ पे मांस सिलबट्टे में पीस रही हूँ, मिक्सी में पीस के ना ज्यादा गीले हो जाते हैं मेरे से। सिलबट्टा मैंने बाहर ही रखा है, यहाँ पे पीस के फिर बनाती हूँ। पेस्ट बना दिया है यहाँ पे। तो गाइस ये बन रहे हैं मेरे बड़े मांस के। दोस्तों मैंने यहाँ पे ना मांस के बड़े भी बना दिए हैं। अब मैं बना रही हूँ सेवई। इतना सा मैंने सेवई लिया है यहाँ पे, इसमें डाल रही हूँ मैं घर का शुद्ध पहाड़ी घी। यहाँ पे ना सासू जी मेरे को हरेला चढ़ा रहे हैं। ऐसे आशीर्वाद देते हैं हमारे पहाड़ों में। ये देखिए गाइस ना मैं इसको ना जो हरेला हमने काटा उसको ना फिर बाद में कोई फूल के पेड़ के नीचे ऐसे दबा देते हैं उल्टा करके। मैं इसको यहाँ पे दबाने के लिए लाई हूँ। तो आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हरेले का त्योहार अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।